Yo, what's up guys, Jordan Gamer here, my name is Michael, welcome back to another gameplay video of GTA 5. So guys, in the episode, you have seen it, we have found a secret bunker in Malibu Mansion, which we have given all our pets a punishment there, especially our white tiger and Bengal tigers. So now let's go here, Amanda's made juice here, you can see here, which is always made for me. तो फाइनली गाइज हम लोगों ने केल का जूस जो है ड्रिंक कर लिया है और ड्रिंक करने के बाद दोस्तों मैं अभी दोस्तों जिमी से बात करके बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुका हूँ. जिमी को मैं बोलता हूँ थोड़ा वर्कआउट किया करे, लेकिन वो ऑलवेज अपने साइट पर क्या क्या देखता रहता है वो मुझे नहीं पता. सबसे पहले तो बेटा तू इधर आ जा, आज तेरी ना मैं गर्दन पकड़ के यहीं मुलेर दूंगा. इधर आ जा बेटा, जल्दी चले यहाँ से, निकल बाहर. तो बोलता है बार बार कि पापा प्लीज़ छोड़ दो, अब से नहीं करूँगा, प्लीज़ छोड़ दो, प्लीज़ छोड़ दो, प्लीज़ छोड़ दो. लेकिन भाई माइकल जो है वो तो भाई इसे आज जो है पटक के रहेगा. और मुझे समझ में नहीं आता, इसको 10 बार मैंने बोला है कि भाई वर्कआउट करना सीखो, वर्कआउट किया करो, तो थोड़ा जो अपना भजन है ना वो कम होगा और दिमाग ज़्यादा चलेगा. ठीक है, पूरी जो चर्बी है वो सीधा पेट में घुस गई है और बुद्धि में दोस्तों कुछ नहीं है, सब खाली है. भाग जाए यहाँ से, गायब हो जा. गायब हो गए दोस्तों, फिर से वहाँ पे जाके बैठ गया है. अब दोस्तों क्या ही बोलना है इसको, ठीक है, बार बार रहने देते हैं. तो अभी मैं यहाँ से दोस्तों निकलता हूँ डायरेक्ट अपनी लैम्बोर्गिनी यूरस पर, और अभी जाके दोस्तों हम लोग जो है हेयर कट लेने वाले हैं. तो ये सामने की तरफ में हमारी कार खड़ी है, आप लोग देख पा रहे हो, लैम्बोर्गिनी यूरस वाइट कलर में. जल्दी से दोस्तों इस पे कार पे बैठ जाता हूँ और कार पे बैठ के जल्दी से मैं लेके जाने वाला हूँ गाइस अपनी कार को डायरेक्ट सीधा बार्बर शॉप पर. और बार्बर शॉप में दोस्तों हम लोग जाके जो है सीधा हेयर कट लेने वाले हैं, क्योंकि गाइस मैं जो हेयर कट कराता हूँ वो विग जो है बार बार निकल जाती है. इस बार दोस्तों हम लोग जो है परमानेंट हेयर कट कराने वाले हैं. और आज की जो न्यूज़ जो चल रही है सबसे ज़्यादा टॉप पर, वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खतरनाक न्यूज़ है. मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और आप लोगों को सब कुछ अभी जो है समझ में आने वाला है. ठीक है, तो जैसे गाइस मैं यहाँ पर एंट्री लेता हूँ, हैंड्स इन द एयर, नीज ऑन द ग्राउंड राइट नाउ. ओ भयंकर, ओके, ऑल राइट, टेक इट ईजी. तो यहाँ पर दोस्तों लगता है चोरी हो रही है. डोंट डू एनीथिंग स्टूपिड, वी विल किल यू. अरे भाई हमें मारोगे, गैंगस्टर को. डोंट मूव फॉर 3 मिनट्स, स्टे स्टिल, इफ़ यू मूव वी बर्न दिस प्लेस. साले तुम्हारे बाप का नौकर लगा हूँ मैं यहाँ पर, 3 मिनट रुकूंगा और तुम मेरे सामने से उसका जो है लेके चले जाओगे. बेचारी कोई लड़की है, उसने आराम से अपना सैलून खोल रखा है, उससे दोस्तों कैसे ना कैसे करके अपना घर चला रही है. ये बंदे आएंगे और उसको चोरी करके ले जाएंगे और माइकल गैंगस्टर सा देखा रहेगा. भाई हम लोग जो हैं इतने भी बुरे नहीं होते, गैंगस्टर जो होते हैं ना वो इतने भी बुरे नहीं होते हैं. ठीक है, तो अभी मैं इन्हें ना अभी समझाता हूँ अभी जाके अभी अच्छे से. तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो गाइस, जैसे ही मैं अपनी लैम्बोर्गिनी यूरस लेके जा रहा हूँ, ये सोच रहे हैं मेरे से बच जाएंगे. भाई मैंने PhD कर रखी है इन गैंगस्टरों में और ये इतनी धीरे कार चलाएगा ना भाई, चोरी करके तो जिंदा ही मारा जाएगा मेरे हाथों से. और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, अगर आपको नहीं दिखता तो मैं जूम करके दिखाता हूँ. ये देखो मैंने यहाँ पर ना खड़े खड़े पीछे से गोली मार दी है और इनको पता भी नहीं लगा कि भाई कैसे मर गए. और यहाँ पर जो है इसने जो अपना बैग डाउन कर दिया है. अब बैग में देखते हैं गाइस कितने ज़्यादा पैसे थे और क्या कुछ था. जैसे मैं गाइस यहाँ पर जो है उतरता हूँ, उतरने के बाद आप लोग देख सकते हो सामने की तरफ में एक बैग पड़ा हुआ है, तो इस बैग को जाके जल्दी से ले लेते हैं. तो ये रहा गाइस बैग, इसको हम जल्दी से लेते हैं. और आप लोग देख पा रहे हो हमारे पास $2000 आ गए हैं. बेचारी जो एक लड़की थी वो गाइस बेचारी मतलब सैलून में हेयर कट करके कैसे ना कैसे करके उसने 2000 अपने डॉलर्स इकट्ठे कर रखे थे. और ये चोर आके यहाँ पर मस्ती करके लेके जा रहे थे और मेरे को बोलते भाई कि डाउन हो जा और 3 मिनट तक हिलना नहीं, वरना मैं तुम्हारी ये जो जगह है वो जला दूंगा. हद है, मतलब गाइस एक गैंगस्टर को धमकी दे के जा रहे हैं, हद हो गई, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा. तो अभी जल्दी से दोस्तों मैं उसका बैग जो है रिटर्न कर देता हूँ. ठीक है, अरे यहाँ पर नहीं है माइकल, पागल मत बन, जल्दी से उस अंदर घुस, उसका बैग दे दे और इसी से बाल कटा लेते हैं, काफ़ी तगड़ा रहेगा, सैलून वगैरह में जाने से बढ़िया ही है. तो यहाँ पर जल्दी से मैं आके इसको मैंने दे दिया, यू आर माई हीरो, नो लाइक सीरियसली, थैंक यू बॉब, मलेट इज अ टायरेंट. तो यहाँ पर दोस्तों जो है हम लोगों ने कट ले दिए हैं, $2000 उसे दे दिए हैं. और अब हम यहाँ पर हेयर कट नहीं ले सकते क्योंकि उसको दोस्तों अर्जेंट शॉप बंद करनी है और वो यहाँ से जा रही है. लेकिन गाइस एक मिनट, यहाँ पर लगता है किसी का कॉल आ रहा है. तो ओके गाइस, जो ये कॉल थी लेस्टर की तरफ से थी और लेस्टर ने बोला माइकल अपने पास एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है. ठीक है, तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी, सीधा तुम्हें जो है बहुत ही तगड़ा ऑफिसर बना दिया जाएगा अगर तुम एक मिशन कर लेते हो. तो यहाँ पर दोस्तों जो है उसके साथ उसमें जो फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल मिलने वाली हैं. तो यहाँ पर लेस्टर ने बोला है कि माइकल मैं चाहता हूँ कि तुम ये वाला जो है मिशन बिल्कुल डेफिनेटली करो. कुछ दोस्तों ऐसी गैंग्स हैं जिन्होंने लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काफ़ी तहलका मचाया हुआ है, मतलब पूरी फोर्स आ गई, पूरी पुलिस वाले आ गए, उस वाली गैंग को वहाँ से कोई हटा नहीं पाया. लगातार
कम से कम 24 घंटे से लगातार दोस्तों जो है आरपीजी लॉन्चर वो फायर करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो है काफी तगड़ी बात हो चुकी है, तो ये मुझे जो है जाके वो मिस्ट्री सॉल्व करनी है। तो जो गवर्नमेंट है लॉस सैंटोस की, उसने ये बोला है कि अगर कोई भी उसको जल्दी से कैसे ना कैसे करके हटा देगा तो वो एक बहुत ही तगड़ा बंदा माना जाएगा, हम उसको पहचानेंगे, और उसी के साथ साथ ये अपने पाप धोने का बहुत ही अच्छा प्रायश्चित होने वाला है मेरे ख्याल से माइकल के लिए। तो माइकल सबसे पहले आता है घर पर, घर पर आके आप लोगों ने देखा उसने स्वेट सोल्जर्स की काफ़ी तगड़ी जैकेट प्लस आर्मर सब कुछ पहन लिए हैं, आर्मर ही पूरी जो है उसने फुल कर ली है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो ये माय डार्लिंग वाइफ, ओ हेलो माइकल। तो यहाँ पर आप लोग खुद ही देख पा रहे हो जो अमांडा है वो शॉपिंग करके आई है, और उसको अभी इस मिशन के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन जब मैं ये मिशन कंप्लीट कर लूंगा तो माइकल मुझे ऑन स्क्रीन टीवी पर देखेगी और काफी तगड़ी खुश भी हो जाएगी, मेरी फैमिली मुझसे काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। तो देखते हैं ये प्लान कितना सक्सेसफुल हो पाता है। और माइकल ड्रिंक मत करना, अमांडा का बना हुआ जूस पियो, ताकत आएगी, ताकत के अलावा तुम्हें जो है पॉजिटिविटी भी मिलेगी, और उसके बाद तुम जो है अच्छा लड़ सकते हो। तो जल्दी से लैम्बोर्गिनी सियान को हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि गाइस मुझे जो है उसकी याद काफ़ी तगड़ी आ रही है, और लैम्बोर्गिनी सियान दोस्तों काफ़ी तगड़ी कार थी, और अभी फ़िलहाल वो पता नहीं कौन चुरा के लेके गया हुआ है। तो अभी हम लैम्बोर्गिनी यूरस को लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये देखो दर्शक मैं दोस्तों यहाँ पर लैम्बोर्गिनी यूरस लेके जाता हूँ, आप लोग खुद ही देख पा रहे हो ये री लैम्बोर्गिनी यूरस हमारी, और इसको मैं सीधा लेके जाने वाला हूँ लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। और लॉस सैंटोस इंटरनेशनल का जो मेन गेट है गेट नंबर 1, बाकी दोस्तों चार गैंग थी, उन चारों को दोस्तों हम लोगों ने मतलब भगा दिया है, और अभी जितनी भी फ्लाइट थी जितने भी बंदों का शेड्यूल था सब कुछ कैंसिल हो गया है, जिसके कारण से जो यहाँ के मतलब लॉस सैंटोस के जो निवासी हैं, जो यहाँ के दोस्तों नेटिव हैं, वो बिल्कुल ही बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, उनकी जो है पूरे काम जो है ठप हो चुका है। जैसे दोस्तों हमारे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में, हमारे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 जब आया था तो काफ़ी तगड़ी फ्लाइट्स वगैरह सारी रद्द हो चुकी थी, पूरी दोस्तों जो है सब कुछ बंद हो गया था और लॉकडाउन की स्थिति बन गई थी। लेकिन गाइस इसमें दोस्तों जो है उल्टा केस है, फिलहाल यहाँ पर लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिर्फ और सिर्फ एरोप्लेन्स जो हैं आना बंद हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि गाइस उसके कारण से, क्योंकि उन्होंने ले रखे हैं खतरनाक वेपन्स आरपीजी लॉन्चर्स, वो दोस्तों किसी को सुनते भी नहीं है, किसी को कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन गाइस लगातार ब्लास्ट पे ब्लास्ट किए जा रहे हैं, और ब्लास्ट इतनी तगड़ी हो रही है कि भाई अर्थक्वेक की भी स्थिति बन गई है। तो जैसी गाइस मैं यहाँ पर आता हूँ, आप लोग देख पा रहे हो लास्ट, ये देखो गाइस मेरी कार तक उछल गई भाई, मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पर जो है लोगों ने हंगामा मचाया हुआ है। तो ये है गाइस गेट नंबर 1, और वो रहे भाई नीचे बंदे सारे। अबे ये तो बहुत सरल है, मैं इनको यहीं से मार दूंगा। ओ भयंकर, ये क्या सीन है गाइस, आप लोगों ने एक बात देखी कि मैंने यार इसको हेडशॉट मारा, उस बंदे को कुछ भी नहीं हुआ। एक बार और जाके मार के देखते हैं गाइस, अपनी एक्स से मारते हैं, क्योंकि ये तो काफ़ी तगड़े बिजी लग रहे हैं। तो मुझे ये लगता है गाइस कि अपनी जो आर्मी है, ये आप लोग देख पा रहे हो टैंक वगैरह सारे ब्लास्ट पड़े हुए हैं, तो ये एक्स से मैंने मारने की कोशिश की गाइस। ओ ये ले भाई, भाई ये कुछ नहीं हो रहा, ये कौन से जानवर हैं अबे? एक सेकंड मुझे सोचने दो भाई। ये ले भाई, कोई नहीं मर रहा यार इनमें से, तब भी लगता है कि पूरी की पूरी लॉस सैंटोस पुलिस डिपार्टमेंट पागल है, मिलिट्री बेस पूरे पूरे पागल हैं, और बोला है कि भाई जो इन्हें मार देगा वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सच बताओ। ओ भयंकर, माइकल बच के, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी भाई, नहीं तो बच के खेल भाई माइकल बच के, अगर तू इसको कर लेता है तो तेरी जो है पूरी ज़िंदगी। ओ जस्ट मेरे बगल से आरपीजी गई बस अभी, अबे आगे कहाँ जा रहा है, टारगेट वहीं पर है ये, और बेवकूफ़ है यार, हद हो गई गैंगस्टर यार तेरी कसम से। अल्ले ओ बैंक, लास्ट में दोस्तों जो है हमें ब्लास्ट यानी कि दोस्तों अधमरा कर दिया है। जल्दी से जाते हैं और उसी दिन रात को या सुबह आप लोगों को मिलते हैं। ओके गाइस, जैसे ही मैं यहाँ पर आया $5,000 से मेरा जो है ट्रीटमेंट हुआ, पूरा रिपेयर हो चुका हूँ मैं दोबारा से, लेकिन गाइस वो बंदे अभी तक नहीं हटवाए हैं, पूरा दिन बीत चुका है, लेकिन यहाँ कार लेके दोस्तों मैं दोबारा से पहुँच चुका हूँ, और पहुँचते हुए मैंने डायरेक्ट कॉल कर दिया था बाबा को। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो मैं इनको लगातार मारने की कोशिश कर रहा हूँ, बाबा भी हमारे यहाँ लोकेशन पे पहुँचता ही होगा, तो बाबा ने दोस्तों जब हमारे साथ आना तो डरने की कोई बात नहीं है। तो अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो मैं लगातार मुक्के मार रहा हूँ, लेकिन गाइस बाबा ने कहा ये मामूली बंदे नहीं हैं, ये एक तरह से क्लोन बने हुए हैं, एक तरह से किसी ने किसी का क्लोन भेजा हुआ है, और ये डिग्री पे काम कर रहे हैं, जैसे टैंक डिग्री पे चलता है ये लोग भी एक तरह से उसी पर शॉट मार रहे हैं, और ये
किसी को मतलब छूते भी नहीं है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, सिर्फ अपनी जो है बम्बार्डमेंट वगैरह जो उनको जो उनका मिशन है वो ये कर रहे हैं। तो फाइनली यहाँ पर दोस्तों बाबा ने मुझे एक ट्रिक बताई है और बाबा यहाँ पर दोस्तों जो है उसको करने को बहुत जल्दी रेडी हो चुका है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो मैं यहाँ पर आया, बाबा दोस्तों जो है मेडिटेशन करते करते उड़ चुका है ऊपर। उसने बोला मैं तुम्हें जो पावर देने वाला हूँ उससे मेरे को नुकसान हो जाएगा, इसलिए मैं ऊपर उड़ जाता हूँ। तो ये देखो गाइस बाबा जो है ऊपर उड़ के यहाँ पर आ चुका है और ये मेरे लिए प्रे कर रहा है। ये मुझे कुछ लग्जरी पावर देने वाला है जिसके कारण से ये सारे के सारे बंदे ना चट्टा से मस्त बिल्कुल हिल जाएंगे यहाँ से। और गाइस हमारा जो है मिशन सक्सेसफुल हो गया। फिर देखते हैं गाइस हमें कौन सी पोस्ट मिलती है। तो जैसे ही गाइस मैं यहाँ पर ऊपर से उड़ के आया, आप लोगों को मैं एक बार कैमरे से भी दिखा देता हूँ, क्योंकि गाइस ऊपर ही देखो बाबा जो झंडी टाइप दिख रही है आप लोगों को ऊपर से, वो बाबा ही हमारे। तो ये आप लोग देख लो, मैं आप लोगों को कैमरे से दिखा देता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा गाइस बाबा जो है हमारे ऊपर एकदम से मेडिटेशन कर रहे हैं मुझे पावर देने के लिए, और उन्होंने बोला कि भाई तुम यहाँ से दूर हो जाओ नहीं तो तुम्हें भी लग सकती है। अरे आराम से भाई आराम से। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो माइकल ने ऊपर से सुप्लेक्स देखने की कोशिश की लेकिन गाइस वो नाकाम रहा। और अभी दोस्तों हमें जो है पावर हमारी 2 मिनट के अंदर एक्टिवेट होने वाली है। 3, 2, 1, go। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो गाइस ये होती है पावर। पूरा का पूरा जो मौसम है वही दोस्तों हम लोगों ने बिगाड़ के रख दिया है। पहले मैं इन बंदों को छू भी नहीं पा रहा था लेकिन ये जो पावर आप लोग देख पा रहे हो सामने, अभी बंदा जो है चीथड़े चीथड़े उड़ गए उससे बिल्कुल। ये जिसने भी भेजा था, जिसने क्लोनिंग करके भेजी थी, वो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो जहाँ जहाँ माइकल जाएगा वहाँ के पूरे 360 एरिया में दोस्तों कोई भी बंदा मतलब बैठ ही नहीं सकता उसके बाद से, ठीक है। तो आप लोग खुद ही देखो गाइस यहाँ पर जो है बहुत गंदा ही सीन क्रिएट हो गया है और यहाँ पर दोस्तों मुझे जानबूझ के ये सीन जो है क्रिएट करना पड़ा। आप लोग खुद ही देख पा रहे हो सारे के सारे जितने बंदे हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर किल कर दिए हैं, ठीक है। अब आप लोग खुद ही एक बार जजमेंट ले पा रहे हो गाइस कि कितना ज़्यादा खतरनाक सीन हो रहा है। वो देखो जो बंदे RPG मार रहे थे वो कहाँ कहाँ उड़ रहे हैं बिल्डिंगों में भाई जाके, ऐसे लग रहा है कि कोई मैग्नेट उन्हें खींच रहा हो अपनी तरफ। और बिल्कुल खून वगैरह उनके दोस्तों जो आप लोग देख पा रहे हो बगल में, ये देखो गाइस लेफ्ट साइड में क्या हाल हो रहा है भाई RPG लॉन्चर वाले बंदों का, खून से बिल्कुल लथपथ नहा चुके हैं। तो ये होती है गाइस बाबा की पावर, काफ़ी तगड़ी पावर थी गाइस। आप लोगों को ये पावर कैसी लगी जरूर से मुझे कमेंट करके बताना आप लोग। और फाइनली दोस्तों इनको इनके मतलब जिन्होंने भी भेजा था वो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पर डन कर दिया है, आप लोग खुद ही चेकआउट कर पा रहे हो। और अब दोस्तों इस जो फाइनली ये जो सारे के सारे बंदे हैं वो डेड हो चुके हैं, पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो हमसे अब खुश होने वाली है। और उसके बाद देखते हैं गाइस हमें कौन सी पोस्ट मिलने वाली है। फाइनली गाइस आप लोग देख पा रहे हो सब कुछ यहाँ पर एंड हो चुका है और जहाँ पर सबको मैंने यहाँ पर मार दिया है। मारने के बाद सारे बंदे को मैंने इकट्ठे कर लिए, इकट्ठे करने के बाद हमें दोस्तों जो है एक RPG लॉन्चर मिला और हम लोगों ने तीर धनाधन मारना शुरू कर दिया है। उसके बाद से दोस्तों मुझे यहाँ पर कॉल आता है मिलिट्री बेस की तरफ से और मिलिट्री कर्नल ने कुछ अपने सोल्जर्स भेजे हैं और हमें दोस्तों जो है काफ़ी तगड़ी कुछ ही मिनटों के अंदर हमें एक बहुत तगड़ी पोस्ट मिलने वाली है। कुछ मरीन सोल्जर्स आ गए हैं हमें लेने के लिए। तो ओके गाइस मैं जल्दी से जाता हूँ, सेटअप वगैरह रेडी एकदम मतलब सब कुछ ड्रेस वगैरह पहनता हूँ और आप लोगों को डायरेक्ट मिलता हूँ लॉस सैंटोस पुलिस स्टेशन पर। ओके गाइस तो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर हम लोग बन चुके हैं बहुत ही तगड़े ऑफिसर, वो भी लॉस सैंटोस पुलिस स्टेशन के। आप लोग देख ही पा रहे हो गाइस यहाँ पर जो है हमें कैप्टन बना दिया गया है और हमें दोस्तों काफ़ी तगड़ा मतलब जो भी नोबल आप लोग सोच सकते हो हमें जो है सब कुछ मिलने वाला है, पूरी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ मिलने वाली है। और अब दोस्तों माइकल जो है गवर्नमेंट जॉब में लग चुका है और ये कैप्टन ऑफिस जब ही खुलेगा जब दोस्तों हम अपना डॉग चूज़ करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा पुलिस के साथ डॉग का एक बहुत ही तगड़ा नाता रहता है, तो रिश्ते जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहते हैं। 4 डॉग्स हमसे बोले गए थे, भाई पग कौन लेता है मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन 3 डॉग हैं, एक देसी डॉग है, एक जर्मन शेफर्ड और एक रॉटविलर है। तो गाइज इसमें तीनों में से यूनिक है जो कि अपना जर्मन शेफर्ड, उसके साथ मैं एक सेल्फी ले लेता हूँ। तो आप लोग देख पा रहे हो गाइज हमने जो अपना डॉग चूज़ किया है वो किया है जर्मन शेफर्ड। तो हम लोग जब कैप्टन बने तो कैप्टन बनने के साथ साथ हम लोगों ने अपना एक डॉग भी चूज़ किया। पहले आप लोगों ने देखा होगा हमने जर्मन शेफर्ड कहीं बाय करते थे लेकिन इस बार हमें अपॉर्चुनिटी से काफ़ी तगड़ा ट्रेन डॉग मिला है जिसका नाम है जर्मन शेफर्ड। आप लोग खुद ही देख पा रहे हो कितना ज़्यादा प्यारा है और कितना ज़्यादा क्यूट है, उतना ही ज़्यादा खूंखार और उतना ही ज़्यादा दोस्तों टैलेंटेड और इंटेलिजेंट डॉग है ये हमारे लिए। आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी जरूर से मुझे कमेंट करके बताना। ये रहा गाइस हमारा ऑफिस कैप्टन का, काफ़ी तगड़ा है। कल तक दोस्तों हमें जो है ये वाला जो ऑफिस अभी हमें यूज़ करना है और उसके बाद दोस्तों हमें देखते हैं कौन सा न्यू ऑफिस, कौन से नए नए हम लोगों को बंगलो, कौन से तगड़े तगड़े घर हम लोगों को देखने को मिलने वाले हैं, वो आने वाली है जल्दी से वीडियो। आप लोग डॉग का नाम मुझे ज़रूर से सजेस्ट कर देना कि भाई हम इस वाले डॉग का नाम क्या रखें। चैनल पर न्यू हो तो गाइस चैनल को करो सब्सक्राइब, बगल को नोटिफिकेशन करो ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लव यू ऑल एंड बाय।